तो वही उदयपुर में चाकू से छात्र के घायल होने का मामला और मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में तनाव की स्थिति है। आपको बता दें मुखर्जी चौक के आसपास का बाजार बंद है, अब पुलिस ने मोर्चा संभाला है और हालात जो है वो फिलहाल काबू में है। वही देवराज के पिता को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया। देवराज की हालत के बारे में परिजनों को जानकारी दी जाएगी। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ देवराज की मां पैदल रवाना हुई है और देवराज के परिजन धरने पर बैठे हैं। अस्पताल में मिलने से रोकने पर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल में कैसे हुई गफलत इसकी जानकारी फिलहाल नहीं लगी है। दो पक्षों में आमने सामने हो गए थे और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। तो उदयपुर में छात्र के साथ चाकूबाजी का ये पूरा मामला, छात्र का इलाज जारी है और दूसरी तरफ जो परिजन है और जो घायल छात्र है उसकी मां औरतों के साथ में पैदल ही अस्पताल के लिए निकली। ये निंदनीय है और उसके परिवार का संस्कार कैसा है, उसकी संगत कैसी है, इन पर सब डिपेंड करता है। इसलिए छोटी मोटी बात में इस प्रकार का हमला कर देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है और इसीलिए मैंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अब छात्र विद्यालय में ऐसा सामान ले नहीं लेके जाएगा, चाहे वो चाकू हो चाहे अन्य नुकीला हथियार हो, जिससे दूसरे बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आप यहाँ पर सुन रहे थे और ऐसे पूरे घटनाक्रम के बाद से शिक्षा मंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में कोई भी ऐसी सामग्री जो है वो नहीं ले जाई जा सकेगी जिससे कि कोई घटना घटित हो सकती है या किसी को चोट आ सकती है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो सब्जी मंडी स्थित यहाँ पर बाजार में बैठी है एक साथ एकत्रित होकर और लगातार दो पक्षों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर विवाद हो गया। हालांकि गफलत की वजह क्या रही इसको लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन मोर्चा संभाले हुए है। किस तरीके की स्थिति बनी वो जान लेते हैं। अविनाश हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो एकत्रित नजर आ रही है, कहाँ की ये तस्वीर है और क्या फिलहाल वहां पर स्थिति? देखिए मुखर्जी चौक इलाके की तस्वीर थी। हॉस्पिटल में एक गफलत भरा लापरवाहीपूर्ण किसी कर्मचारी ने जिसको कि अभी तक ना ही परिजन आइडेंटिफाई कर पाए हैं और ना ही पुलिस प्रशासन आइडेंटिफाई कर पाया है। उसने परिजनों के ऐसे एक से बात कही थी कि आप दो दिन बाद आइए, अभी त्योहार मनाएं, तो उसको लेके एक गफलत हुई थी और यही कारण है कि कल पूरी तरह से जो शांत था और आज संभावना जताई जा रही थी कि पूरा बाजार खुलेगा, लेकिन जब परिजनों को इसके साथ हॉस्पिटल में इस तरह का सलूक हुआ तो उसके बाद वो अपने घर आए और आस पड़ोस के लोगों को लेकर मुखर्जी चौक सब्जी मंडी पहुंचे और वहां पे धरने पे बैठ गए क्योंकि सब्जी मंडी खुल रही थी। दोनों ही समुदाय के लोग मिलकर सब्जी में फल फ्रूट और सब्जी का व्यापार करते, तो अचानक तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस जाब्ते ने स्थिति को नियंत्रण में किया, किसी तरह की कोई हाथापाई या इस तरह की तनाव होने की स्थिति नहीं आई। कुछ ही देर में एसपी योगेश गोयल सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे और लोगों से समझाइश की, उनको शांत किया। फिर देवराज के पिता से लंबी समझाइश का दौर चला, उनको पुलिस अपनी गाड़ी में कुछ परिजनों को के साथ में लेकर हॉस्पिटल पहुंची है जहाँ पे की तमाम जो वरिष्ठ चिकित्सक जो कि देवराज के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं उनके सामने उनके हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में देवराज की माँ की जो मन स्थिति है, मानसिक स्थिति, वो काफी ही मतलब एक माँ का दर्द जो है वो उनके चेहरे से बयां हो रहा है। वो अपनी महिला साथियों के साथ पैदल ही घंटाघर की तरफ बढ़ी है। पुलिस का जाब्ता उनके साथ चल रहा है, जो विभिन्न संगठनों के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उनके साथ में, और संभवतया घंटाघर से उनको भी एक गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और उनको भी पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा देवराज की तबीयत के बारे में। अभी मुखर्जी चौक में पूरी तरह से शांति है, लेकिन मुखर्जी चौक से सटे हुए चाहे सिंधी बाजार लें या
दूसरा अन्य बाजार ले मेन मंदिर का कुछ इलाका है और वो दुकानें जो है वहाँ पर तो एक बार के लिए गफलत की स्थिति यहाँ पर बनी थी और धरने पर बैठे थे जो पीड़ित के परिजन है, जो घायल बच्चा है उसके परिजन, लेकिन पुलिस पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, समझाइश की, एक बार फिर मामला शांत हुआ है। अविनाश, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।